मिश्रा और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बेहद बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त छत्तीसगढ़ से मिल रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ से मिल रही है और कुछ प्रमुख नामों पर हम नजर डालें इस बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के, तो अमित साहू जिन्हें युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, विकास मरकाम को अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, शालिनी राजपूत महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाई गई है, श्याम बिहारी अग्रवाल को किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी नवीन मार्कंडेय को दी गई है। इधर अखिलेश सोनी को पिछड़ा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, नारायण चंदेल, किरण देव और भूपेंद्र सवन्नी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा शिवरतन शर्मा सहित 8 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है और इस तरह बीजेपी कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 40 कार्य समिति सदस्य और 36 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। 83 प्रदेश स्थायी आमंत्रित सदस्यों को भी इस प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिली है, तो काफी संतुलित कई नेताओं को साधने की भी कोशिश। और बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी में कुछ नए नाम हैरान भी करते हैं, चौंकाते भी हैं, लेकिन एक संतुलित हम इसे जरूर कहेंगे कार्यकारिणी प्रदेश में बीजेपी ने बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी विपक्ष में है छत्तीसगढ़ में। हम रुक करेंगे इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मोहन तिवारी का, रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहन, जाहिर है कि विष्णु देव साय जब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद इंतजार इसी बात का था कि आखिर संगठन का विस्तार, कार्यकारिणी कब घोषित होगी, कैसे होगी, कैसे आप इस पूरी नई कार्यकारिणी को देखते हैं? देखिए, ये बहुत जरूरी भी था क्योंकि एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए विष्णुदेव साय को एक अपनी टीम की जरूरत थी और इसीलिए इस उधेड़बुन में 3 महीने से ज़्यादा का समय लग गया और कार्यकारिणी अब जो है अस्तित्व में आई है। इसमें कोई ज़्यादा नियम जो है वो बदले नहीं गए हैं। जिस ढंग से एक परंपरागत रूप से कार्यकारिणी बनाई जाती है उसी तर्ज पर ये कार्यकारिणी बनी है। कुछ पूर्व विधायकों को भी महत्व दिया गया है, जो मोर्चा प्रकोष्ठ को लेकर नए नियम सामने आएंगे ऐसी बातें सामने आ रही थी कि उसमें कुछ उम्र की छूट दे दी जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अमित साहू को जो है युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, तो उम्र का जो क्राइटेरिया तय किया गया था कि 35 वर्ष का के से ज़्यादा का युवा मोर्चा अध्यक्ष ना हो, तो उस क्राइटेरिया का पालन किया गया है। और इसी तरीके से महामंत्री जो बनाए गए हैं, 4 महामंत्री बनाए गए हैं, लेकिन जो 3 हैं वो पार्टी से संबंधित हैं और एक संगठन महामंत्री है। तो ये 3 महामंत्री 3 अलग अलग क्षेत्रों से, 3 अलग अलग जो स्थान प्रमुख हैं छत्तीसगढ़ के, वहाँ से आए हैं, बस्तर से, जांजगीर से और ये इसी तरीके से बाकी स्थानों से, जो बिलासपुर से मौका दिया गया है। तो जो उपाध्यक्ष हैं वो 8 बनाए गए हैं, महामंत्री 4 बनाए गए हैं और सबको साधने की इस कार्यकारिणी के जरिए कोशिश की गई है। हम देखते हैं कि ओपी चौधरी जो कि पूर्व कलेक्टर हैं, उन्होंने पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गए थे, उन्हें कोई बड़ा पद मिलने की उम्मीद थी, तो उन्हें मंत्री बनाया गया है। तो भाजपा में जो मंत्री हैं बनाए गए हैं उसमें ओपी चौधरी का भी नाम है, राजेश मूणत जो कि पूर्व मंत्री हैं उन्हें प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है, वर्तमान में जो विधायक हैं अजय चंद्राकर उन्हें प्रवक्ता बनाया गया है, तो प्रवक्ताओं की जो लिस्ट है उसे रिवाइज किया गया है। तो इस तरीके से कोशिश ये है कि एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जो जरूरी काम है, जो जरूरी कदम उठाए जाने हैं उसमें एक अनुभवी टीम रहे, उसको ध्यान में रखते हुए ये कार्यकारिणी बीजेपी की बनाई गई है। जी बिल्कुल। मोहन, संक्षिप्त में यह भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त बीजेपी जरूर छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका निभा रही है और समय समय पर अपनी आवाज भी बुलंद करती है, लेकिन जो नई टीम विष्णुदेव साय की आप देख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे नाम आपको समझ आते हैं या फिर आप ऐसे नाम देखते हैं जो वाकई जिनका उम्मीद तो नहीं थी लेकिन उन्हें शामिल करके पार्टी ने उन्हें भी साधने की कोशिश की और एक बेहतर कार्यकारिणी घोषित की है? देखिए, बीजेपी ने अपनी सेकंड लाइन बनानी शुरू कर दी है और इसीलिए जो मोर्चा प्रकोष्ठ में आप नाम देख रहे हैं ये वो सारे यंग लीडर हैं जिनके नाम की उम्मीद तो नहीं थी लेकिन ये जो है पार्टी के सेकंड लाइन के नेताओं के रूप में जाने जाते थे, तो इन्हें अब मौका दिया गया है युवा नेतृत्व को उभारने की, इसमें पूरी तरीके से कोशिश दिखाई दे रही है और ये जो अनुभवी टीम है उन्हें बड़े पद दिए गए हैं, लेकिन मोर्चा प्रकोष्ठ की जो टीम है उसमें
नए और युवाओं को मौका देने से आप समझ सकते हैं कि भाजपा ने प्लानिंग की है कि आने वाले जो 4 साल हैं उसमें संघर्ष का काफी करना पड़ेगा और सरकार को अगर फिर से लाना है तो यंग टीम को खड़ी करने की जरूरत है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस टीम को बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहन हमसे बातचीत करने के लिए, इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए। तो ये नई कार्यकारिणी जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की घोषित हो चुकी है, युवाओं को भी जिम्मेदारी दी गई है, अनुभवों को भी, जो अनुभवी नेता हैं उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है, पूर्व विधायकों का भी नाम शामिल है।